A very good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. Children, in EVS, we are doing chapter 22, Earth and the Sky. Yesterday, we read about Earth, Sun and Moon, right? So, children, today we will be knowing about stars also and we will be reading about constellations also. So, let's proceed the chapter. The stars. When you look up into the sky on a clear, cloudless night, you see thousands of stars. जब आप sky में देखेंगे रात में, sky की तरफ देखेंगे, sky clear होगा जब, cloudless होगा, तो आपको thousands of stars दिखेंगे sky में. They have light of their own. उनकी अपनी light होती है stars की. मून की नहीं होती ना, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है. दे हैव लाइट ऑफ देयर ऑन. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. बहुत दूर है हमसे स्टार्स. बहुत दूर होते तभी बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं. देयरफॉर दीज अपीयर वेरी स्मॉल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर बिगर देन द सन. वरना बहुत से स्टार्स तो सन से भी ज़्यादा बड़े हैं. लेकिन स्टार्स बहुत दूर हैं मून से भी ज़्यादा. मून तो नियरेस्ट है हमारे, नियरेस्ट नेबर है. लेकिन सन से भी ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है स्टार्स, इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं. वरना कुछ स्टार्स सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं. ओके, वेयर डू स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में कहाँ चले जाते हैं ये स्टार्स, कहाँ गायब हो जाते हैं. स्टार्स शाइन ऑल डे एंड ऑल नाइट. स्टार्स पता है हमेशा होते हैं स्काई में, पूरा दिन पूरी रात होते हैं, वो गायब नहीं होते हैं. वी कैन नॉट सी दैम ड्यूरिंग डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट फ्रॉम द सन. देखो स्टार्स स्काई में हमेशा होते हैं, डे में भी और नाइट में भी, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देते. हम इसलिए नहीं देख सकते, जो दिन का टाइम होता है उस टाइम पे क्या होता है, सन की ब्राइट लाइट होती है, इतनी ब्राइट होती है कि स्टार्स नहीं दिखाई देते उस लाइट में. ठीक है, लेकिन इस टाइम भी, मतलब जब आप चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट का टाइम हो, स्टार्स होते हैं लेकिन नाइट में दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट में सन नहीं होता है, तो सन की लाइट नहीं होती है, तो स्टार्स शाइन करते हुए दिखाई देते हैं. When the sun disappears and it is dark, stars can be seen twinkling in the sky. जब सन चला जाता है और अंधेरा हो जाता है, तो आप स्काई में स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, चमकते हुए. What are stars made up of? किस चीज के बने होते हैं स्टार्स. Stars are made up of huge balls of gases and dust. Huge balls होती हैं ये gases और dust की. Stars are made up of huge balls of gases and dust. These react with each other and produce heat and light. ये एक दूसरे के साथ react करते हैं और heat and light produce करते हैं. Some stars are hotter than the others. कुछ stars एक दूसरे से ज़्यादा भी hot होते हैं. Look at the stars carefully on a moonless night. जिस दिन चांद नहीं होगा, जिस दिन moon नहीं होगा sky में, उस दिन आप एक बार स्काई की तरफ देखेंगे, नाइट में बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टार्स की तरफ देखेंगे. ट्राई एंड फाइंड स्टार्स विच अपीयर ब्लूइश एंड द वंस विच लुक स्लाइटली रेड. उन स्टार्स को फाइंड आउट कीजिए जो आपको, कुछ तो स्टार्स आपको ब्लूइश लगेंगे, ब्लू कलर के लगेंगे, और कुछ रेड कलर के लगेंगे, स्लाइटली रेड, थोड़ा हल्का रेड कलर के स्टार्स भी लगेंगे आपको. जब मून नहीं होगा स्काई में, तो आप तब नोटिस करना. वेरी हॉट स्टार्स लुक ब्लू. जो बहुत हॉट होते हैं स्टार्स, वो ब्लू दिखेंगे.
लेस हॉट स्टार्स लुक येलो, तो थोड़े कम हॉट होते हैं वो येलो हैं, वाइल कोल्ड स्टार्स अपीयर रेड, और कोल्ड स्टार्स रेड आपको दिखेंगे। अवर सन इज अ येलो स्टार, और हमारा जो सन है वो येलो स्टार है। ओके, स्टार कॉन्स्टेलेशंस, व्हाट आर स्टार कॉन्स्टेलेशंस? सम ऑफ द स्टार्स ऑलवेज अपीयर इन ग्रुप्स एंड इन अ सर्टेन पैटर्न। कुछ स्टार्स हमेशा ग्रुप में देखने को मिलते हैं, उनका अपना एक पैटर्न होता है। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, और ये जो ग्रुप होता है स्टार्स का, इसको कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। दे सीम रादर लाइक द गेम ऑफ जॉइन द डॉट्स, और ये स्टार्स का जो ग्रुप होता है ये कैसा लगता है, जो गेम होता है ना जॉइन द डॉट्स वाला, ऐसा लगता है जैसे जॉइन द डॉट्स वाला गेम जो होता है, ये ग्रुप ऐसा दिखता है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीपल हैव एंजॉयड लुकिंग एट द कॉन्स्टेलेशंस, लोग इंजॉय करते थे, कॉन्स्टेलेशंस देखते थे, स्काई में जो ग्रुप होता था स्टार्स का उसको देखकर एंजॉय करते थे और इमेजिन करते थे। पीपल इमेजिन दीज ग्रुप्स टू लुक लाइक एनिमल्स और ह्यूमंस एंड गिव देम स्पेशल नेम्स, और इमेजिन करते थे कि ये जो ग्रुप्स हैं स्टार्स के ये किसके जैसे दिखते हैं, एनिमल्स के जैसे, ह्यूमंस के जैसे, और फिर इनको नेम देते थे, स्पेशल नेम्स देते थे लोग। एज यू जॉइन द डॉट्स इन द फर्स्ट पिक्चर यू गॉट द शेप ऑफ अ लार्ज डिपर विद अ हैंडल। देयर आर टू पैटर्न्स गिवन हियर इन दिस पिक्चर। When you join the dots in the first picture, आपको dots को join करना है ऐसे, you will find, you will get the shape of a large dipper with a handle. आपको एक large dipper की आपको यहाँ पर image दिखाई देगी with a handle. Okay? This constellation is called the Big Dipper. तो ये pattern, ये जो constellation है, ये जो group है स्टार्स का, ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड बिग डिपर। इन इंडिया द कॉन्स्टेलेशन इज पॉपुलरली नोन एज सप्तऋषि और सप्तऋषि मंडल, और इंडिया में ये पॉपुलर किस नाम से, ये कॉन्स्टेलेशन, ये स्टार्स का जो ग्रुप है, इट इज पॉपुलरली नोन एज सप्तऋषि और सप्तऋषि मंडल। ओके, देयर आर मैनी अदर कॉन्स्टेलेशंस लाइक स्कॉर्पियो, ओरियन, उर्सा मेजर एट्सेट्रा, दीज कैन बी इजिली लोकेटेड इन द स्काई, और आपको ये इजिली स्काई में दिख सकते हैं, ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं ये स्टार्स के ग्रुप हैं। ओके, बिग डिपर जिसको सप्तऋषि या सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, स्कॉर्पियो, ओरियन, उर्सा मेजर, ओके, ये पॉपुलर कॉन्स्टेलेशंस हैं। ओके, सी एक्टिविटी 3, टेक अ ब्लैक अम्ब्रेला एंड सम सिल्वर पेपर, कट टाइनी स्टार्स फ्रॉम द पेपर एंड पेस्ट देम इनसाइड द अम्ब्रेला इन एनी पैटर्न, होल्ड द अम्ब्रेला इन योर हैंड एंड टर्न इट, लुक अप एट योर स्टार्स, दे ऑल सीम टू बी मूविंग बट द पैटर्न डज नॉट चेंज। आपको एक ब्लैक अम्ब्रेला लेनी है, उसमें आपको सिल्वर पेपर भी लेना है, उसके छोटे छोटे कटआउट्स बनाएंगे आप, टाइनी स्टार्स, छोटे छोटे स्टार्स, उनको आप अम्ब्रेला में, इनसाइड द अम्ब्रेला आपको पेस्ट करने हैं। ओके, देन आप क्या करेंगे, अपनी जो अम्ब्रेला है उसको पकड़ेंगे, उसको टर्न करेंगे। ओके, आपको उसको टर्न करना है, लुक अप एट योर स्टार्स, और अब आप ऊपर से अपने स्टार्स को देखिए, दे ऑल सीम टू बी मूविंग, आपको दिखेगा कि जो आप किसी भी पैटर्न में आपने स्टार्स लगाए हैं, आपकी अम्ब्रेला जैसे मूव कर रही है, दे ऑल सीम टू बी मूविंग, आपको लगेगा सारे स्टार्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, बट द पैटर्न डज नॉट चेंज, लेकिन उसका जो भी आपने पैटर्न दिया है स्टार्स का वो चेंज नहीं होगा, स्टार्स लगेंगे कि मूव कर रहे हैं लेकिन उनका पैटर्न चेंज नहीं होगा।
So children, in activity 3, explains the constant pattern maintained by the stars. आपको इस एक्टिविटी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि इनका स्टार्स का जो पैटर्न होता है वो कांस्टेंट होता है. स्टार्स आपको लगता है कि वो मूव कर रहे हैं लेकिन उनका पैटर्न चेंज नहीं होता है. इफ़ यू लुक एट द स्काई द कॉन्स्टलेशंस सीम टू मूव एज अ होल बट द पोजिशन ऑफ द स्टार्स विद इन द कॉन्स्टलेशन डज नॉट चेंज. आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्स मूव हो रहे हैं, जो कॉन्स्टलेशन है, जो ग्रुप है वो मूव हो रहा है, लेकिन उनका जो पैटर्न है यानी उसमें जितने भी स्टार्स की जो भी पोजिशन है वो चेंज नहीं होती है. ओके और आपको यही एक्टिविटी 3 में एक्सप्लेन किया है. व्हाई डू कॉन्स्टलेशन सीम टू मूव अक्रॉस द स्काई, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि कॉन्स्टलेशन जो है स्टार्स के जो ग्रुप है वो मूव हो रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? इट इज अवर अर्थ दैट स्पिन्स लाइक अ टॉप. ये हमारी अर्थ है जो कि किस तरह से स्पिन करती है, लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह घूमती है. ओके दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. और ये जो इसकी मूवमेंट है ऐसे घूमना, ये रोटेशन कहलाती है. सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ वी टू आर रोटेटिंग विद इट. अलग जैसे कि हम भी हैं अर्थ पर तो हम भी रोटेट कर रहे हैं साथ साथ. अवर रोटेशन मेक्स द स्टार्स इन द स्काई अपर टू बी मूविंग. और इसीलिए हमें स्टार्स लगते हैं कि वो मूव कर रहे हैं क्योंकि हम रोटेट हो रहे हैं. ओके क्योंकि हम अर्थ पर हैं, अर्थ रोटेट हो रही है तो हम भी रोटेट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि स्टार्स मूव कर रहे हैं. और जैसे चाहे हमें वो कितना भी उनका मूवमेंट लगे स्टार्स का, कॉन्स्टेलेशंस का, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता है. ओके सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क रिलेटेड टू दिस वीडियो. And your homework is question 1, what are stars made up of? Question 2, why do stars appear small? Kyun stars small dikhte hain? Question 3, what are constellations? Question 4, name any 4 constellations. Very simple. You just have to watch the video carefully, then you have to read the chapter from your book, then you have to find out the answers of these 4 questions. And do this work in your EVS notebook neatly and carefully. Okay? आप अच्छे से chapter read करेंगे तो आपको सभी questions के answers आपके book में मिलेंगे और please spellings का अच्छे से ध्यान रखेंगे. Okay? Thank you children. Stay home, stay safe and stay happy.